हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल. दिस इज प्रज्ञा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्टून कैसे बनाते हैं. तो आपने बहुत सारे पॉलिटिकल कार्टून्स देखे होंगे, वो कैसे बनाएंगे. फिलहाल मैं ये जो कार्टून बनाने वाली हूँ, ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उस पर बनाने वाली हूँ. तो कार्टून के लिए हमेशा आप ये याद रखना कि जो भी करंट सिचुएशन होती है उस पर कार्टून बनाना ज़्यादा अच्छा होता है. तो ये लॉकडाउन का टाइम है और ये टाइम जो है ये बहुत ही टफ है हमारे लिए. बट जो लोग हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो काम उनसे फिर भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है. हमें सिर्फ घर में बैठना है तो इतना तो हम कर सकते हैं. और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का एंड नई नई चीज़ें करने का. तो वो चीज़ें करें आप जो आपने बहुत टाइम से नहीं की है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला. तो ऐसे टाइम में मैं आपको इतना हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगी, आपको नए नए पेंटिंग सिखाऊंगी, मधुबनी आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैं आपको पेंटिंग बताने वाली हूँ. तो इस वीडियो में तो मैं कार्टून बताऊंगी, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे हूँ तो इसमें अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स होंगे. तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पेंटिंग्स या वीडियोस कैसी लगी. ये स्टार्ट करते हैं एंड एक चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहो, जिंदा रहो. तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना.근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지. 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.
한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무나 서럽겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.